हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से बात करते हैं ईपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के क्रम में। दोस्त, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैं बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए, आप लोगों ने बताया नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ उसका। मैंने बोला था तेल बीज या ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित है। आपको मैंने वहां पे चार ऑप्शन दिया था, ये कल का मेरा क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ऑप्शन नंबर ए में मालवेसी, बी में दिया था क्रूसीफेरा, सी में दिया था सेलेनेसी, डी में दिया था कंपोजेटी। ठीक है, तो इसका जो दोस्त करेक्ट आंसर होगा बी होगा, क्रूसीफेरा। उसी के क्रम में आइए आज हम लोग अपने प्रैक्टिस क्रम के क्रम में आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा शरीर का वजन होता है, ऑप्शन नंबर ए में मैंने लिखा पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी में मैंने लिखा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और ऑप्शन नंबर डी में मैंने दोस्तों लिखा है आपके सामने मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसके बाद मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आइए इसी के क्रम में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बायोलॉजी का है। यहाँ पे हरा प्रोटोजोआ को किस नाम से भी जाना जाता है, जैसे हरा प्रोटोजोआ को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने लिखा है हरा प्रोटोजोआ को नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में मैंने लिखा अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है लिस्मेनिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मैंने यूग्लिना। तो आपका दोस्त करेक्ट आंसर होगा डी, यूग्लिना। आप ये क्वेश्चन आपके ईपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये प्रश्नों का अगर आप आंसर दे पाते हैं तो आप समझ लीजिए आपके मंडी परिषद में सिलेक्शन 100% है। देखिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3 के क्रम में हम लोग देखते हैं, लिखा है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी में देखिए सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है फेरिक नाइट्रेट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोस्त इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम फास्फेट। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। रेडियो सक्रियता की इकाई है, देखो रेडियो सक्रियता की इकाई है कैंडेला, बी फर्मी, सी क्यूरी, डी एंगस्ट्रॉम। तो आपको मैं बता दूं कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्त, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फर्मी दूरी का मात्रक है, ये भी नहीं होगा, एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्यूरी। ठीक है, आइए इसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे को देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है वह कौन सा पाचक रस को स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइलिन, बी में दिया है रेनिन, सी में दिया है एमाइलेज, और डी में दिया है पेप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा टाइलिन, राइट। अब यहां पे दिया है अचल संधि पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए यहां पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए में कोहनी में, बी में कपाल में, और सी दिया है कलाई में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा बी कपाल में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ पर दिया है शून्य, ऑप्शन नंबर ए में शून्य, बी में दिया है अनंत, सी में दिया है दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करता है तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी अनंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आप इसका इस क्वेश्चन को कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ क्वेश्चन क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यकृत, बी में दिया है पित्ताशय, सी में दिया है कर्निया, और डी में दिया है आंत।
तो आप देखिए पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है, कर्णिया हमारा कहाँ का पार्ट है, मेरे आई का पार्ट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, कर्णिया, क्योंकि कर्णिया कहाँ पाई जाती है, आंखों में पाई जाती है, इसलिए यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और ये तीनों यकृत, पित्ताशय और आंत, ये तीनों हमारे पाचन तंत्र के हिस्सा हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल है आपको दे दिया है ऑप्शन नंबर ए में लिलिएसी, बी में दिया है सोलेनेसी, सी में दिया है कंपोजिटी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सी, कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल है, ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कुल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीला गैसें ऊपर जाती हैं, बी में दिया है वायु में प्रदूषण विद्यमान है, सी में दिया है सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं और डी में दिया है वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। तो आपका दोस्त करेक्ट आंसर डी होगा क्योंकि वायुमंडल के वायु कण क्या करते हैं, सूर्य के किरणों को विकिरणित करते हैं यानी उसको फैला देते हैं, अर्थात हम प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है, जो हमारी तेल जो हम लोग लालटेन जलाते हैं, लालटेन में जो तेल होता है वो किसके कारण ऊपर उठता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है दाब अंतर के कारण, बी में दिया है केशिकत्व क्रिया के कारण, सी में दिया है तेल की निम्न श्यानता के कारण और डी में दिया है गुरुत्वीय बल के कारण। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की आप आंसर दीजिए, मैं बता रहा हूं इसको। यहाँ पे दिया है श्यानता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए है प्वाइज, बी है पास्कल, सी है प्वाई जूली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा प्वाइज, श्यानता की इकाई क्या है, प्वाइज। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछ रहा है निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग पैदा करता है, आपको दिया है ट्राइकोमोनस, बी दिया है ट्रेपोनोसोमा और सी दिया है लिशमोनिया और डी में दिया है प्लाजोमोडियम। तो कौन सा आपको निद्रा रोग पैदा करता है, ट्रिपोनोसोमा। ठीक है, ये क्या करता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं, पौधे के अवयवी भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रसरण, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी वाष्पोत्सर्जन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब हमारे वीडियो के लास्ट में दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप जरूर इसको देखिएगा। पतियों की हरिम हीनता किसकी कमी से होता है, जो पतिये हरा होती हैं वो हरा कभी कभी अपना वो रंग चेंज करने लगती हैं, तो किस तत्व के कमी के कारण होता है, दिया है कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीन और डी दिया है, ठीक है, कैल्शियम, यहाँ पे डी दिया है कॉपर, ये ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम है, सी है सॉरी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगा। अगर दोस्त अगर ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप एक बार जरूर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास। दोस्त अगर हमारे इंस्टीट्यूट से किसी भी प्रकार के आपको एडमिशन संबंधी जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, उस पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8299310097, आप इस पर किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए आप जरूर इस पर संपर्क करिएगा। दोस्त
आज बस यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं तो आप चैनल पे आ गए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।